कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आपसे चर्चा करेंगे किस तरीके से दाल बाजारों में कामकाज हो रहा है, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर के बाजारों में किस तरीके से कामकाज है इसकी जानकारी, और आगे स्थिति क्या रह सकती है इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, उड़द और मसूर में हल्की सी बाजारों में आपने देखा है कि हल्की सी बाजारों में एक नरमी देखी गई है, मिला जुला रुख देखा गया है। दाल मिलों की अगर देखी जाए तो मांग लगातार कमजोर होने से घरेलू बाजारों में मंगलवार को उड़द और के साथ साथ मसूर की कीमतों में हल्की सी गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। जबकि इस दौरान में अगर देखा जाए तो अरहर की कीमतों में मिला जुला रुक रहा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। चने के भाव आपने देखा है कि बाजारों में स्थिर होते हुए नजर आए हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, उड़द के बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो आयतित उड़द के बाजारों में हल्का सा बाजारों में आपने देखा है बाजारों में गिरावट देखी गई है। व्यापारियों के अनुसार मौसम साफ होने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की मंडियों में नई जो आवक उड़द की आवक है वो आवक बढ़ी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हाल में जो बारिश हुई है हल्की क्वालिटी से, उसके माल ज्यादा आ रहे हैं। उधर बर्मा से आयतित उड़द की कीमतें भी कमजोर हुई हैं और घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में हल्की गिरावट बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन बाजारों में अगर बात करी जाए तो दक्षिण भारत में इसकी मांग लगातार बनी रहेगी। बहुत ज्यादा आप सोचे बहुत ज्यादा गिरावट है तो बहुत ज्यादा गिरावट आने के आसार नहीं है। अब बात करेंगे अरहर की कीमतों में क्या स्थिति है। अरहर की कीमतों में अगर बात करें तो बाजारों में मिला जुला रुक रहा। सरकार द्वारा अरहर पर स्टॉक लिमिट की अवधि को बढ़ाने के साथ ही साथ स्टॉक की मात्रा कम करने से एक बाजारों में एक हल्का सा दबाव आता हुआ दिखा है। लेकिन आप सोचे बहुत ज्यादा मंदे के आसार बाजारों में नहीं देखे जा रहे हैं। चालू खरीफ में अरहर की बुआई पिछले साल की तुलना में कम हुई है। अगर बात करें साथ ही साथ उत्पादक राज्यों में अगस्त में बारिश की भारी कमी का असर भी उत्पादकता में इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख के चल सकते हैं कि बहुत ज्यादा जड़ में मंदा है, तो बहुत ज्यादा मंदा फिलहाल बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मसूर के बाजारों में। मसूर के बाजारों में हल्की सी जो कनाडा इसका विवाद हुआ था, इसके बाद बाजारों में लग रहा था कि बाजारों में तेजी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आयतित मसूर की कीमतों में जो लगातार उसका कोई इंपैक्ट होता हो बाजारों में नहीं दिखाई दिया और बाजारों में एक हल्का सा दबाव देखा गया है। उत्पादक राज्यों में किसानों के पास देसी मसूर का बकाया स्टॉक सीमित मात्रा में बचा हुआ है, जबकि स्टॉकिस्टों की बिकवाली कम आ रही है। खपत का सीजन होने के कारण मसूर दाल बिहार, बंगाल, असम में अभी आप बाजारों में डिमांड बनी रहेगी, जबकि उत्तर प्रदेश और प्रदेश की मंडियों में देसी मसूर की आवक में काफी कमी हो गई है। तो मसूर में भी बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। अगर बात करेंगे तो दाल मिलों की सीमित मांग से चने में क्या स्थिति है। चने की कीमतें स्थिर हो गई हैं। जानकारों के अनुसार उत्पादक राज्यों में चना का बकाया स्टॉक सीमित मात्रा में ही बचा हुआ है, जबकि चना की नई फसल जो आएगी अब फरवरी और मार्च में आएगी। इस वजह से जबकि चना की जो नई फसल जो फरवरी मार्च में आएगी, त्योहारी सीजन होने के कारण चना दाल एवं बेसन की मांग अभी बनी रहेगी। इसका असर आपको बाजारों में देखने को मिलेगा। नेफेड लगातार चने की बिकवाली कर रहा है, लेकिन नेफेड की बिक्री के भाव से एमएसपी से अभी भी ज्यादा है। इसकी कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक नेफेड की नेता जो टेंडर निकालते हैं उस पर निर्भर देखा जाएगा। तो चने में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अब बात कर लेते हैं मूंग के बाजारों की क्या स्थिति है। मूंग के दाम बाजारों में देखेंगे कि स्थिर हैं, जबकि स्टॉकिस्टों की बिकवाली उत्पादक मंडियों में दाम कमजोर हुए हैं। उत्पादक राज्यों में मौसम साफ है, ऐसे में उम्मीद है कि मूंग की दैनिक आवक बढ़ेगी और इसलिए मौजूदा कीमतों में हल्की नरमी आ सकती है। लेकिन इसमें भी वही बड़ी बहुत लंबी ज़्यादा गिरावट आने के आसार नहीं है। बाजारों में जब आपको गिरावट मिले आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अब थोड़ा सा मार्केट के बारे में जान लेते हैं। मुंबई में एफयूक्यू उड़द के दाम 100 रुपये घट के 8600 रुपये के आसपास रहे। दिल्ली में ऐसी उड़द की बात करें तो 9950 रुपए प्रति क्विंटल में स्थिर हो गए। सोलापुर में देसी अरहर के बिल्टी भाव 100 रुपए कमजोर हो गए, 10500 से 12300 रुपए के आसपास है। अगर मुंबई में अफ्रीकी देशों से आयतित अरहर की कीमतों की बात करी जाए तो स्थिर हो गए हैं। सूडान से लगातार आयतित अरहर के दाम 12100 से 12200 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में क्या स्थिति है। अगर पोर्ट की स्थिति बात करेंगे, मुंद्रा पोर्ट जो है बंदरगाह में, कनाडा के मसूर के दाम 25 रुपए घट के 6300 से 6325 रुपए पे कामकाज हो रहे हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कनाडा का जो विवाद हुआ था इसके बाद कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं देख रहा है। ओवरऑल आउटलुक सरकार कोशिश बहुत कर रही है कि बाजारों में गिरावट आए, बाजारों में नियंत्रण किया जाए, लेकिन बाजारों में जो पीछे से अगर डिमांड देखी जाए, उत्पादन देखा जाए तो वो कमजोर है। उसका असर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा और बाजारों में आने वाले समय में डिमांड को देखते हुए तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल में आप कमेंट जरूर करिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ।
तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24। नमस्कार।